शहर के संजय नगर क्षेत्र में शनिवार सुबह एक युवक घर के समीप से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आकर घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से उपचार के लिए भर्ती कराया गया। हादसे के बाद क्षेत्र में विद्युत तारों की ऊंचाई बढ़ाने के साथ ही शिफ्टिंग की मांग उठ रही है। मिली जानकारी अनुसार संजय नगर निवासी मोहसिन रफीक खान अपने घर पर साफ सफाई कर रहे थे। इसी दौरान घर की छत पर बनी गैलरी से कूलर उतारते समय कूलर में करंट उतर आया और मोहसिन को जोरदार झटका लगा। बेहोशी की हालत में मोहसिन को जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल में पहुंचे पड़ोसी इरफान चिराग शाह ने बताया कि बस्ती में हाई टेंशन लाइन कम ऊंचाई से गुजर रही है, जिससे आए दिन हादसे का डर बना रहता है। लोग खतरे के नीचे जी रहे, लेकिन विद्युत विभाग बेफिक्र है। कई बार शिकायती आवेदन देने के बाद भी मोहल्ले में अब तक विद्युत विभाग के कर्मचारी जायजा लेने भी नहीं पहुंचे। ये घर की साफ सफाई कर रहे थे तो कुछ सामान फेंक रहे थे तो तार थोड़े दूर हैं, तो तारों ने पकड़ लिया। हाई लाइन है वहाँ, और कई बार आवेदन भी दे चुके विद्युत मंडल में कि तारों को हटाएं। आज हमारे घर में लगा है, पूरी बस्ती में साइड से तार गए थे। हेवी लाइन है, विद्युत मंडल को कई बार अवगत कराया है कि इसको दूर करें या इसको दूसरा रास्ता इसका ढूंढे। आज तो हमारा भाई है, कल और पड़ोस में भी है, बच्चे छतें बाहर है, चिपकी हुई है तारों से। हाँ, पहले भी एक हुई है, एक की मृत्यु पहले भी हो चुकी है। के ऊपर से भंगार फेंक रहे थे कूलर, तो जैसे तार बहुत नीचे है तो तार से टच हुआ, तो उसकी वजह से इसको अर्थिंग ने खींच लिया, तो ये नीचे गिरे वहाँ से, तो इसको वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए। छत पे से गया? हाँ नहीं, छत पे से थोड़ी करीब में है, एकदम गैलरी जो रहती है नहीं अपनी, उसके करीब में। तो तारों को भी अपनों को ऊंचे करवाना है। हाँ, लोहे का वो जो कूलर था, वो कूलर फेंक रहे थे तो कूलर से टच हुआ, तो कूलर ने इसको भी खींच लिया साथ में। ऐसा ये घटना अभी की है, साढ़े दस बजे की, साढ़े दस ग्यारह बजे की घटना है। हाँ, डॉक्टर ने देखा है, अभी इलाज चालू हो गया है। आर की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निवाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।